नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज फेस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान ने यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर के लिए अपनी एक दावेदारी पेश करी है। नॉन परमानेंट मेंबरशिप वो चाहता है। ये नॉन परमानेंट मेंबरशिप जो है, भारत पहले 7 बार रह चुका है वहाँ का नॉन परमानेंट मेंबर। आइए पूरा डिटेल से समझते हैं कि ये होती क्या है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है इंटरनेशनल रिलेशन में। दोस्तों, दरअसल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो एक यूनाइटेड नेशन का एक विंग है, एक आप ऐसा कह सकते हैं कि एक डिपार्टमेंट है, जो दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए बनाया गया था कि एक दूसरे से कोई देश लड़े नहीं, अगर लड़ते हैं तो उनको एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाए। तो इसके लिए एक सिक्योरिटी काउंसिल बनी थी यूनाइटेड नेशन में। ये 1945 में बनी थी। जब ये बनी थी तो उस वक्त इसमें 51 कंट्रीज थे और आज जो इसमें कंट्रीज़ की संख्या है वो है 193। उस वक्त दोस्तों क्या था कि दुनिया में सारे देश यूनाइटेड नहीं थे, मतलब एक सा नहीं थे, जैसा कि आज भी है। आज तो और भी ज़्यादा बिखरा हुआ है। तो ये ज़रूरत महसूस करी गई कि एक ऐसा फोरम बने जिसमें सारी कंट्रीज आएँ और उसमें कुछ उसके मेम्बर्स हों, वो आपस में डिस्कस करें, बातचीत रखें, ताकि पूरी दुनिया में शांति को स्थापित करी जा सके, जिससे कि लड़ाई झगड़े कम हो सके। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात है। अब दोस्तों आपको बता दें कि इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं, 5 मेंबर तो इसके परमानेंट होते हैं और 10 मेंबर इसके नॉन परमानेंट होते हैं, जो बीच बीच में बदलते रहते हैं। परमानेंट मेंबर का मतलब वो 5 कंट्री बिल्कुल भी नहीं चेंज होंगे, वो बने रहेंगे ऐसे इसके मेंबर, और उनके पास एक विशेष पावर होगी जिसको बोलते हैं वीटो पावर। वो अगर किसी भी चीज़ में वीटो कर देते हैं तो वो चीज़ चेंज नहीं हो सकती, मतलब वो अपने हिसाब वो उस चीज़ को रोक देंगे। अगर कोई चाहता है देश कि हम बदलाव कर दें कोई किसी चीज़ को, तो जब कोई 5 कंट्रीज़ में अपना वीटो यूज कर लेगा तो वो बदलाव नहीं हो सकता है। इसका ये मतलब एक स्पेशल पावर है। अब समझ ली, ये सिर्फ परमानेंट मेंबर्स के पास है, नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास नहीं है। और नॉन परमानेंट मेंबर सिर्फ 10 हैं, और ये जो परमानेंट मेंबर हैं ये US हैं, रशिया है, UK है, फ्रांस है और चाइना है। दोस्तों ये 5 देश परमानेंट मेंबर हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये लोग ये इंश्योर करेंगे वीटो पावर को, और कि दुनिया में शांति स्थापित हो सके। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए, US और रशिया की कभी बन सकती है, या चाइना की US से कभी बन सकती है? नहीं बन सकती। तो ये लोग किस हिसाब से सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे कि शांति स्थापित हो सके? तो इसमें भारत का जो स्टैंड है बिल्कुल क्लियर है। भारत का ये कहना है कि भाई साहब, अब इसमें आप एक रिफॉर्म लेकर आइए यूनाइटेड नेशन में, मतलब इसमें बदलाव की ज़रूरत है। आप लोग जो ये काम कर रहे हो ये ठीक नहीं है, क्योंकि किसी का किसी से बनता नहीं। अब जैसे भारत ने भी अपनी परमानेंट मेंबरशिप के लिए दावेदारी करी है कि हमको परमानेंट मेंबर बनाया जाए, और सिर्फ हमें नहीं और भी लोगों को बनाया जाए, क्योंकि अभी एक दूसरे से लोगों की बन नहीं रही, ऐसे ऐसे उसमें कंट्रीज हैं। अब रशिया और चाइना एक हो जाते हैं, उधर USA, UK, फ्रांस एक हो जाते हैं। अब किसी को ऐसा समझ लीजिए, पाकिस्तान में जो टेररिस्ट हैं इनको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कराना होता है, तो भारत उसके लिए एफर्ट लगाता है और वहाँ चाइना वीटो कर देता है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान का दोस्त है। तो जो एक्चुअल में आतंकवादी हैं वो इंटरनेशनली वो आतंकवादी माने ही नहीं जाते, क्योंकि चाइना वहाँ वीटो कर देता है। तो भारत का भी कहना है कि भाई हमें भी परमानेंट मेंबर बनाया जाए, साथ ही में इसमें जो 5 मेंबर हैं कोई भी इसमें से अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता ही नहीं है, तो अफ्रीका से भी तो कोई परमानेंट मेंबर होना चाहिए। ऐसे ही और भी जगह से होने चाहिए परमानेंट मेंबर, जैसे कि एक G4 ग्रुप बना हुआ है, उसमें ब्राज़ील है, जर्मनी है, इंडिया है, जापान है। इनका कहना है कि हम चारों लोगों को परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए, और साथ ही साथ आपके सिर्फ 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, उसकी भी संख्या बढ़ानी चाहिए। क्योंकि अभी ये जो 10 परमानेंट मेंबर हैं इसमें 3 तो आते हैं अफ्रीका से, 2 आते हैं एशिया से, और जो बाकी बचे ये कुछ कैरिबियाई देशों से आते हैं और यूरोप से आते हैं। तो भारत का और कई और देशों का कहना है कि भाई साहब, इसमें आप
संख्या को बढ़ाइए कुछ, क्योंकि पहले 51 कंट्रीज थे, अब 93 हैं, तो लगभग लगभग 4 गुने जब देश बढ़ चुके हैं तो मेंबर्स भी तो बढ़ने चाहिए उसके, यह पहले जैसा चल रहा आएगा। और फिर भारत ने अपनी दावेदारी सिर्फ इसलिए नहीं पेश करी कि ठीक है हम बड़े देश हैं, भारत ने इसलिए भी दावेदारी पेश करी क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर कहीं है तो वो इंडिया में है। अगर विश्व की टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज देखो तो 17% आता है, 17% पॉपुलेशन को आप कैसे इग्नोर कर सकते हो कि वो सिक्योरिटी में जब बातचीत हो तो उसको आप कहीं कंसिडर ही नहीं करोगे। 100 लोगों में 17 लोग तो भारत में रहते हैं और उनकी सिक्योरिटी के बारे में आप बात ही नहीं करोगे, उनको परमानेंट मेंबर ही नहीं बनाओगे। जहां रशिया 14 करोड़ की पॉपुलेशन, यूएस 33 करोड़ की पॉपुलेशन, फ्रांस, बस ये सब छोटी छोटी पॉपुलेशन वाले देश हैं, ये परमानेंट मेंबर हैं। तो इसलिए भारत की एक दावेदारी इसमें मजबूत हो जाती है। और दोस्तों इसी में जब नॉन परमानेंट मेंबर के लिए अप्लाई किया है पाकिस्तान ने, वो नॉन परमानेंट मेंबर बनना चाहता है। अब ये जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं इसमें पहले अप्लाई किया जाता है, फिर इसमें वोटिंग होती है और फिर उसके बाद सिलेक्शन होता है, मतलब वोटिंग में जो इलेक्ट हो जाता है वो नॉन परमानेंट मेंबर बन जाता है। भारत 7 बार रह चुका है, भारत इस वक्त नॉन परमानेंट मेंबर नहीं है क्योंकि 2020 में भारत नॉन परमानेंट मेंबर था और भारत 7 बार नॉन परमानेंट मेंबर हो चुका है और वो इलेक्शन से बनता है। तो एक दावेदारी ये भी अच्छी है भारत के लिए कि हमको दूसरे देशों ने 7 बार पसंद किया है नॉन परमानेंट मेंबर, तो हमें परमानेंट मेंबर उसका होना चाहिए, ये भी एक भारत की दावेदारी है। दोस्तों अब देखते हैं कि आगे होता क्या है, जैसे और इस पर डेवलपमेंट होती है मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।